हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप अपनी स्किन का कैसे ख्याल रख सकती हैं, स्पेशली गर्मियों में, क्योंकि गर्मियाँ बहुत ज़्यादा आ चुकी हैं और सबसे ज़्यादा स्किन के जो प्रॉब्लम होती हैं वो ऑयली स्किन वालों को ही फेस करनी होती है। तो अगर आपकी भी स्किन ऑयली है तो आप किन किन बातों का ध्यान रख सकती हैं या कौन कौन सी बातें आपको फॉलो करनी है, आज के वीडियो में मैं वही आपके साथ शेयर करूंगी। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं ये सभी बातें जानने में तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, बट उससे पहले मेक श्योर जरूर कर लें कि आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी हिट कर लें जिससे आपको मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए और आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ जो भी शेयर करूंगी वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। और एक बात और कि अगर आपकी स्किन ऑयली है और आपको बहुत ज़्यादा पिंपल्स होते हैं, क्योंकि ऑयली स्किन वालों को सबसे ज़्यादा पिंपल और एक्ने की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, तो अगर आपकी स्किन भी ऑयली है और आपके स्किन पे बहुत ज़्यादा पिंपल होते हैं तो आप इन बातों का ध्यान जरूर रखें। सबसे पहली बात कि आपको अपने फेस को हमेशा क्लीन रखना होगा। क्लीन से मेरा मतलब ये है कि कम से कम दिन में दो बार आपको अपने फेस को वॉश जरूर करना है, मतलब कि अपने फेस को धुलना जरूर है, अच्छे से ही वॉश करें। ऐसा नहीं है कि बस पानी से फेस को धुल लिया बस उतना काम हो गया, ऐसा नहीं। आप दिन में दो बार या तीन बार फेस वॉश यूज़ करना है और अपने फेस को अच्छे से क्लीन करना है। दूसरी बात, अपने फेस के किसी भी पार्ट पे बार बार आपको अपने हाथ से टच नहीं करना है। जैसे एग्जांपल में बहुत सारे लोगों को यहाँ टच करते हैं, यहाँ टच करते हैं, फिलहाल मैं भी ऐसी हूँ जो मैं यहाँ पे बार बार टच करती हूँ क्योंकि बाल यहाँ पे आते हैं तो जिसकी वजह से मुझे बार बार टच करना पड़ता है। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको अवॉइड करना है जितना हो सके उतना कम से कम आप अपने फेस को टच करें। तीसरी बात, आप कोई ऐसा फेस वॉश या ऐसा क्लींजर यूज़ करें जिसमें सैलिसिलिक एसिड होना चाहिए, जैसे कि न्यूट्रोजीना और क्लीन एंड क्लियर में आपको मिल जाएगा ऐसा क्लींजर, ऐसा फेस वॉश, क्योंकि सैलिसिलिक एसिड जो होता है वो हमारे फेस को अंदर से क्लीन करता है, पोर्स को अंदर से क्लीन करता है, जिसकी वजह से पिंपल और एक्ने की प्रॉब्लम हमें ना के बराबर होती है। ये तो हुई तीसरी बात। चौथी बात यह है कि हमें अपने फेस को वीकली एक्सफोलिएट करना होगा, मतलब कि वीक में एक बार आप अपने फेस को एक्सफोलिएट जरूर करें, स्क्रब जरूर करें। लेकिन अगर आपके फेस पे बहुत ज़्यादा पिंपल और एक्ने हैं तो आपको ये स्टेप फॉलो नहीं करना है। जैसे आपके फेस पे बहुत कम पिंपल है और एक्ने हैं या अभी फ़िलहाल में आपके फेस पे पिंपल नहीं है, तब आप इस स्टेप को ईजिली फॉलो कर सकती हैं। नेक्स्ट स्टेप है कि जब भी आप अपने लिए कोई प्रोडक्ट चूज़ करें, जैसे कि मेकअप की बात कर लेते हैं, तो आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो डेली बेसिस पे मेकअप वेयर करना पसंद करते होंगे, चाहे वो कॉलेज गोइंग हो, ऑफिस गोइंग हो या फिर घर पे ही रहती हो। तो आपको मेकअप अगर वेयर करना है, स्पेशली बेस मेकअप जैसे कि फाउंडेशन हुआ, कंसीलर हुआ, तो ये सब चीज़ें अगर आप बाय कर रही हैं तो कोशिश यही करें कि जो वाटर बेस्ड होते हैं, वाटर बेस्ड प्रोडक्ट भी मार्केट में अवेलेबल हैं, आपको बहुत सारे फाउंडेशन और कंसीलर मिल जाएंगे, तो आप वाटर बेस्ड मेकअप अपने लिए बाय करें। वाटर बेस्ड मेकअप जो होते हैं वो ऑयली स्किन वालों के लिए सबसे अच्छे होते हैं। नेक्स्ट जो हमारी नेक्स्ट स्टेप है या नेक्स्ट हमारी जो बात है जो भी है, उसके लिए आपको करना ये है कि अगर आपकी स्किन ऑयली है, फिलहाल ये वीडियो ऑयली स्किन वालों के लिए ही है, तो अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप ऐसे फेस मॉइस्चराइज़र, ऐसी नाइट क्रीम, ऐसी डे क्रीम बाय करनी है या यूज़ करनी है जो कि ऑयल फ्री हो। अगर आप कंफ्यूज हैं तो आप ऐसे प्रोडक्ट बाय करिए जिनकी पैकेजिंग पर लिखा होना चाहिए ऑयल फ्री या ऑयल कंट्रोल। तो एग्जाम्पल के लिए आपको न्यूट्रोजीना में, क्लीन एंड क्लियर में, अरोमा मैजिक मतलब ब्लॉसम कोचर में ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर मिल जाएंगे। तो जो ऑयल फ्री प्रोडक्ट होते हैं वो ऑयली स्किन वालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की। तो नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपको अपने फेस पे, एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपके फेस पे अभी पिंपल है, एग्जाम्पल में लीजिए, अगर आपके फेस पे कहीं भी पिंपल है तो आपको उसे फोड़ना नहीं है, मतलब कि पोक नहीं करना है, बार बार उसे टच नहीं करना है। अगर आपने अपने पिंपल को टच किया, उसे छेड़ा, तो वो पिंपल ख़राब हो सकता है और उसकी वजह से आपको फेस पे बहुत सारे पिंपल आ सकते हैं, तो आपको ये नहीं करना है।
नेक्स्ट स्टेप जो है वो ये है कि आपको अपने फेस पे कोई भी हार्श चीज़ नहीं यूज करनी है। जैसे कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने फेस को बहुत ज़्यादा एक्सफोलिएट करते हैं, लूफा यूज़ करते हैं, टॉवल यूज़ करते हैं, तो आपको इन सब चीज़ों को यूज़ नहीं करना है। अगर आप अपने स्किन पे बहुत ज़्यादा हार्श होती हैं, बहुत ज़्यादा उसके साथ रफ़ बिहेव करती हैं, तो आपकी स्किन को वो ज़्यादा हार्म करता है और आपकी स्किन उसके साथ रिएक्ट कर जाती है, जिसकी वजह से आपको पिंपल और एक्ने ब्रेकआउट की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप ये है कि अगर आपकी स्किन ऑयली है फिर भी आपको मॉइस्चराइजर स्किप नहीं करना है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आप ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर यूज़ करें, लेकिन आपको मॉइस्चराइजर यूज़ ज़रूर करना है। नेक्स्ट स्टेप ये है कि अगर आपकी ऑयली स्किन है या किसी भी स्किन टाइप के हों, आपको सनस्क्रीन भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने सनस्क्रीन को स्किप किया तो उसकी जो प्रॉब्लम होती है वो हमारे स्किन पे बहुत ज़्यादा बुरी तरह से उसका इफ़ेक्ट हमारी स्किन पे पड़ता है। सबसे ज़्यादा एजिंग की प्रॉब्लम, फाइन लाइन्स की प्रॉब्लम, पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम, और सबसे जो बुरा इफेक्ट होता है वो होता है स्कार्स का। तो अगर आप इन प्रॉब्लम से बचना चाहती हैं तो आप अपने फेस पे सनस्क्रीन जरूर अप्लाई करें। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको फॉलो करनी ही है। और एक बात कि अगर आपकी स्किन ऑयली है या अगर आप किसी भी स्किन टाइप के हों, तो आपने अपना मेकअप रिमूव करके उसके बाद ही आपको रात में सोना है। चाहे आपने बहुत हल्का सा ही मेकअप किया हो, कॉम्पैक्ट ही अप्लाई किया हो, लेकिन आपको अपने मेकअप को अच्छे से क्लीन करना है, जिससे आपकी स्किन पे ब्लैक हेड, वाइट हेड या पिंपल की प्रॉब्लम ना हो। स्टेप ये है कि अगर आप चाहती हैं कि आपके फेस पे पिंपल और एक्ने की प्रॉब्लम ना हो, तो आप यूज़ कर सकती हैं कोई भी मुल्तानी मिट्टी फेस पैक, मतलब कि क्ले या मड फेस पैक। क्ले और मड फेस पैक जो होता है या मुल्तानी मिट्टी फेस पैक जो होता है, वो हमारे फेस के एक्स्ट्रा ऑयल को कंट्रोल करके रखता है, अब्सॉर्ब कर लेता है, और साथ ही साथ हमारे फेस पे पिंपल और एक्ने की प्रॉब्लम नहीं होने देता है। अगर हो सके तो आप डेली मुल्तानी मिट्टी अप्लाई कर सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि कोई महंगा मुल्तानी मिट्टी फेस पैक आप बाय करें, सिर्फ मुल्तानी मिट्टी को लेके उसमें गुलाब जल मिक्स करके या फिर पानी के साथ मिक्स करके आप उसे अप्लाई कर सकती हैं, लेकिन एक मुल्तानी मिट्टी फेस पैक आपको डेली अप्लाई करनी है। नेक्स्ट बात जो आपको नहीं करनी है वो ये है कि आपको अपने सर में ओवरनाइट के लिए तेल अप्लाई करके नहीं रखना है। मतलब कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो रात में अपने बालों में तेल लगाते हैं, उसके बाद सुबह उसे धुलते हैं, तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। क्योंकि जब हम अपने बालों में तेल अप्लाई कर लेते हैं तो कितना भी हम ट्राई कर लें, गर्मी की वजह से आप अभी देख सकते हैं कि मुझे स्वेटिंग की प्रॉब्लम यहाँ पे हो रही है। तो ये जो ऑयल होता है ये हमारे फेस पे आता है, जिसकी वजह से हमें पिंपल और एक्ने की प्रॉब्लम और ज़्यादा फेस करनी पड़ती है। तो इसलिए आपको ये भी नहीं करना है कि आप अपने बालों में रात भर तेल लगा के रखें, उसके बाद उसे सुबह धुल दें, तो इसकी वजह से आपकी स्किन और भी ज़्यादा ऑयली होगी और साथ ही साथ आपको पिंपल और एक्ने की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ेगी। नेक्स्ट स्टेप आपको जो नहीं करना है वो ये है कि अगर आपके फेस पे पिंपल और एक्ने हैं तो आपको उन्हें बार बार टच नहीं करना है। अगर आप ऐसा करती हैं तो उससे आपका जो पिंपल है, जो एक्ने है, मतलब पहले तो पिंपल ही होता है, वो और ज़्यादा ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से वो आपकी स्किन पे फैलता जाता है और आपको पिंपल को फोड़ना भी नहीं है। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो उसे फोड़ देते हैं कि फोड़ देंगे तो जल्दी ठीक हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपने एक जगह पे पिंपल को फोड़ा तो दूसरी जगह पे आपको पिंपल्स ज़रूर आ जाएंगे। नेक्स्ट चीज़ ये है कि लास्ट नहीं है बट फिर भी आपको ढेर सारा पानी पीना है। गर्मियों में ऑयली स्किन है या जो भी स्किन टाइप हो आपकी, पानी आपको ढेर सारा पीना है अगर आप चाहती हैं कि आपकी स्किन जो है वो पिंपल की प्रॉब्लम से दूर रहे। तो ये थे कुछ बातें जिन्हें अगर आप फॉलो करती हैं तो आपकी स्किन जो है वो इन गर्मियों में पिंपल की प्रॉब्लम से दूर रहेगी। तो अगर आप चाहती हैं तो आप इन्हें फॉलो ज़रूर करें। अगर फिर भी आपको पिंपल्स आते हैं तब आपकी स्किन में कुछ सीरियस इशू है जिसकी वजह से आपको पिंपल आ रहे हैं, अगर आप इन सब बातों को फॉलो करती हैं उसके बाद। तो ये था मेरा आज का वीडियो। होप मेरा ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं जानना चाहूँगी कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा या नहीं। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी एंड टेक केयर। बाय।